प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सोशल मीडिया शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। केंद्र सरकार देश में हर क्षेत्र में खिलवाड़ कर रही है। जब से केंद्र में भाजपा सत्ता आई है तब से जन विरोधी फैसले थोप कर जनता को परेशान कर रही है। अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में डाक विभाग में ब्याज दरों को घटाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। पठानिया ने कहा कि केंद्र की पूर्व कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाक विभाग को मजबूती प्रदान की और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ब्याज दरों को बढ़ाया था, लेकिन आज पूरे देश में डाक विभाग की ब्याज दरों को घटाकर जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिससे देश की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। पूर्व में डाक विभाग में आरडी पर 7.2% ब्याज मिलता था, आज केंद्र की भाजपा सरकार ने घटाकर 5.8% कर दिया, जो कि 1.4% पर जनता को नुकसान दिया है। 1, 2 और 3 साल की एफडी पर पहले 6.9% जनता को मिलता था, अब 6.6% कर दिया है, जिसमें 1% की कटौती की गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग योजना में 8.6% मिलता था, आज इसको घटाकर 7.4% किया जा रहा है, जिसमें 1.2% की कटौती की गई है। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है। पठानिया ने कहा कि पीएम केयर फंड में अरबों रुपए इकट्ठा हुए, जिसका केंद्र सरकार जनता को कोई हिसाब नहीं दे रही है। उल्टा केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों पेंशन में कटौती की गई। अब देश की आम जनता पर डाक विभाग में ब्याज घटाकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से देश भर में हर इंसान प्रभावित हुआ है, लेकिन देश की सरकार जनता पर जन विरोधी फैसले लेकर और कहर ढा रही है। पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के साथ अन्याय ना करे और ब्याज दरों को घटाने के बजाय बढ़ोतरी करे। केंद्र सरकार ने जहां भूतपूर्व सैनिकों का डीए फ्रीज किया है तथा पीएम केयर में करोड़ों पैसा इकट्ठे किए, वहाँ एक और बड़ा 1 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला किया है कि जो हमारी एफडीज करोड़ों लोगों की जो पोस्टल डिपार्टमेंट में सबमिट थी और एफडीज पे जो कहूँगा खासकर जो कहीं 7.5 साल में आरडी डबल होती थी, इसी तरीके से सीनियर सिटीजन का जहाँ 8.6% इंटरेस्ट था, अब जो इंटरेस्ट जो है वो 7.2% रह गया। और इससे न केवल ये लगभग 6 कैटेगरियों में 1 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन हुई है। वर्तमान मोदी सरकार ने जो मेहनत करके लोगों ने, चाहे वो किसान विकास पत्र थे, एफडीज थे, अपनी मेहनत से उन्होंने पोस्टल विभाग में जमा करवाए थे, आज उस पर भी सभी कैटेगरी पे उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट जो है वो काट दिया है। और यहाँ से भी लोगों की जेबों से जो है वो करोड़ों रुपए का जो डाका जो है उन्होंने डाला है। हमने वर्तमान सरकार से अनुरोध किया कि इन एफडीज पे जो इंटरेस्ट पहले था उसको तुरंत पैसा का पैसा बहाल किया जाए।